हेलो गाइस, दिस इज मी ऋषभ राज, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम विट्स पिलानी, और आज की वीडियो है तीसरा एपिसोड द डायरी ऑफ एन IIT JEE एस्पिरेंट का। तो पिछले एपिसोड्स की तरह ये एपिसोड भी बहुत ही मस्त होने वाला है, और आई वुड से थोड़ा बेटर होगा आई गेस। ओके, सो इसका टाइटल है द फ्रेंड हु चेंज्ड माय JEE जर्नी। ठीक है, जो लोग नए आए हैं उनके लिए थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ। आई एम इन द कोचिंग फिटजी, आई एम फ्रॉम रांची। या आई रियली स्ट्रगल्ड इन माय फेज 1-2 स्टडी, और मेरे को अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल पाया, ना ही मुझे समझ में आया कि कैसे पढ़ना चाहिए एक्सेट्रा। और फिर लास्टली मेरे फेस टेस्ट आ गए, जो इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था, एंड आई हैड टू परफॉर्म टू रिटेन माई बैच। आई वॉज इन द टॉप बैच बिकॉज ऑफ माई 100% स्कॉलरशिप। तो पर अब बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे, पर अब मुझको परफॉर्म करना ही पड़ता ताकि मैं बैच रिटेन कर पाऊँ। सो आई रेड अ लॉट, एंड आई एम फाइनली टोल्ड इन द प्रीवियस एपिसोड दैट आई विल टेल इन द नेक्स्ट एपिसोड कि आई रिटेन माई बैच और नॉट। सो इट इज़ आई थिंक इट वुड बी क्वाइट ऑब्वियस दैट आई रिटेन द बैच। आई वॉज हैप्पी दैट आई रिटेन माई बैच, बट मेरे नंबर बहुत कम आए, एंड आई वॉज रियली क्लोज टू द कट ऑफ। पर मेरे घर में सब लोग खुश थे कि यार चलो, इतने दिन से दुखी था, आखिरकार इसका रिटेन तो हो गया बैच पहला। तो पापा भी मतलब पहली बार कुछ थोड़ा खुश थे, बोल रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, अगले बार मेहनत करना, अभी कम से कम बैच तो सेम रह गया ना। आई वॉज लाइक ओके, बट आई वॉज लिटरली नॉट हैप्पी। A01 बैच मैंने रिटेन कर लिया, पर नेक्स्ट जो फेज था मेरा, उसमें बच्चे कुछ बढ़ गए थे हमारे बैच में। सो वी फाइनली केम टू नो दैट ये जो बच्चे हैं वो पहले से फिटजी में पढ़ रहे थे 10th से ही, और वो लोग वहाँ के टॉप बैच के बच्चे हैं जो हम लोगों के साथ कंबाइन कर दिए गए। सो वी वर लाइक इट्स गुड, बट या लिविंग ऑल दिस द थिंग वॉज दैट आई सेड टू माई सेल्फ दैट आई नीड टू स्टडी रियली हार्ड, कि मैं कभी भी इन सब चीज़ों में ना फंसूँ कि आई एम नॉट एबल टू रिटेन माई बैच, बिकॉज इट वॉज नॉट दैट टफ, बिकॉज बच्चे इतने भी ज़्यादा टैलेंटेड नहीं थे रांची में। सो आई सेड टू माई सेल्फ दैट आई नीड टू स्टडी हार्ड, नहीं तो मेरे ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स ही रह जाएंगे एंड नथिंग वुड कम ट्रू। सो गाइज, आई हैड टोल्ड यू इन द प्रीवियस एपिसोड ऑल्सो दैट आई हैड वेरी लेस फ्रेंड्स इन फिटजी, और बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस बैकग्राउंड आई नीडेड फ्रेंड्स इन माई लाइफ, आई नीडेड सम एन्जॉयमेंट इन माई लाइफ, क्योंकि बिना एन्जॉयमेंट की पढ़ाई मेरे से उतनी हो नहीं पाती थी। सो आई फाइनली सॉ समवन इन द न्यू बैच आई हैड, इट वॉज नेम्ड A01, बट इन द न्यू पीपल आई सॉ समवन हु आई वॉज वेरी फैमिलियर विथ। तो यार, जब मैं स्कूल में था तो 6th क्लास में हमारा सेक्शन चेंज हो गया था, पर 6th क्लास में ही मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, और एक साल के लिए एक लड़का था मेरे ही क्लास में था, उसको मैंने देखा क्लास में। बट ऐसा क्या खास था, जनरली जब हम लोग 6th क्लास में थे तो हम लोग के बीच में थोड़ा कोल्ड वॉर टाइप का होता था। इफ़ यू आस्क मी कोल्ड वॉर क्यों होता था, सो द थिंग वॉज वी वर क्वाइट सिमिलर। ओके, सो हम लोग दोनों को हमारे टीचर बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, एंड जो क्लास टीचर थी, एंड बच्चे भी हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वी वर लाइक आई वुडंट से लीडर्स, बट वी वर लाइक द मोस्ट लव्ड पीपल ऑफ आर क्लास। बट हम लोग दोनों एक दूसरे को नहीं पसंद करते थे बिकॉज ऑफ सम रीजंस। उसको लगता था कि आई एम वेरी चोमू टाइप ऑफ बॉय एट दैट टाइम, बट एवरीथिंग चेंज इन द लास्ट 3-4 ईयर्स। जब तक मैं 10th में आया तब तक आई लिटरली चेंज्ड इन माई न्यू स्कूल। इसके लिए आप चाहे तो मेरे एक वीडियो को देख सकते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन आई हैड करके, मेरी कहानी मेरी जुबानी का episode 1, उससे आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कैसा था मैं। सो आई फाइनली चेंज्ड, एंड इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स वी स्टिल हैड दैट कोल्ड वॉर, बट वी ऑल्सो स्टार्टेड एडमायरिंग ईच अदर। तो बट फिर भी हमने कुछ बात बात नहीं की थी पिछले 3-4 सालों में, एंड देन वी फाइनली सॉ ईच अदर एंड वी हैड सम लाइक यू नो सिंपल बॉयज़ कन्वर्सेशन की हाँ भाई कैसा है, बहुत दिन बाद, थिंग्स लाइक दैट। बस इतना ही हुआ, पर क्योंकि हम लोग घर का रास्ता सेम था तो वी फाइनली मेट समडे। ऑटो में हम लोग दोनों पीछे बैठे हुए थे और हम लोग दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं बस, एंड थिंकिंग वेयर टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, एंड आई फाइनली सेड दैट और किस टाइप के गाने तुम्हें पसंद हैं। सो फाइनली वी एंडेड अप ऑन डिस्कसिंग अबाउट सॉन्ग्स, आई डोंट नो वाई, बट वी बोथ वर बिग फैंस ऑफ सिंगिंग, एंड ही फाइनली टोल्ड मी दैट एक सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग है, मनप्रीत आलोक का, यू नो दैट इज़ बदनाम। सो ही टोल्ड मी इसको ज़रूर सुनना। सो आई थॉट हाँ यार ठीक है सुनेंगे। तो घर गए और मैंने वो गाना सुना,
और पता नहीं क्यों मेरे को इतना अच्छा लगा मेरे को लगा कि वैसा मैंने आज तक कुछ सुना ही नहीं है, बिकॉज आई उस समय तक मेरे को नहीं लगता मैं पंजाबी गाना ज़्यादा सुनता था, एंड फाइनली आई हर्ड सम पंजाबी सॉन्ग एंड आई रियली लव्ड इट। मतलब मेरे को बिल्कुल लिरिक्स याद हो गया, इतना ज़्यादा सुनने लगा मैं कि आई टोल्ड हिम दैट मेरे को बहुत अच्छा लगा यार। सो इट वॉज लाइक ये सब हुआ, बट कुछ उड़ती उड़ती खबर भी मैंने सुनी उसके बारे में कि ही इज़ वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ फिजी, एंड आई एम लाइक वन ऑफ द मोस्ट वो आदमी जो सिर्फ कट ऑफ पार करके आया है, तो इस वजह से मैं उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करने लगा है। थॉट इज़ लाइक वन ऑफ द टॉपर्स एंड इफ़ आई बी विथ हिम, यू नो पेरेंट्स जो बोलते हैं कि हमेशा किसी टॉपर से दोस्ती करना ताकि वो तुम्हें सही राह दिखाए, थिंग्स लाइक दैट केम इन टू माई माइंड एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू बी फ्रेंड विथ हिम। सो ऐसे ही हम लोग मिलने लगे ऑटो वोटो वगैरह में, एंड कुछ दिन बाद हम लोग साथ में बैठने भी लगे क्लास में। एक दिन हम लोग ऑटो से वापस जा रहे थे तो मैंने उससे पूछा कि और भाई तुम्हारा मतलब बहुत ज़्यादा नंबर आया था क्या फर्स्ट, मतलब क्या आया था, कितना आया था फेस टेस्ट वन में? तो उसने मतलब बहुत ज़्यादा नंबर कुछ बोल दिया, लाइक 400 में 300 आसपास कुछ बोल दिया, और मेरा आया था 120 समझ लो, तो ही सेड लाइक 290 और समथिंग लाइक दैट। आई एम लाइक बॉब रे बॉब, ये तो अल्ट्रा ब्रिलियंट बच्चा है। आई एम लाइक मेरे को लगा यार घर जाके मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगा, मेरे को लगा यार ये लड़का मेरे ही साथ था और फिर ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और फिर मैं हूँ यहाँ पे कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मतलब एग्जिस्टेंस का फील आने लगा मेरे को कि हम एग्जिस्ट करते भी नहीं कि इस बैच में, ऐसा कुछ होने लगा मेरे साथ। तो मैंने सोचा यार मतलब यू नो लाइक हेल्दी कंपटीशन टाइप का फीलिंग आ गया कि मेरे को लगा नहीं यार इसको पीछे करना है, ये भी अपना दोस्त है, हम लोग साथ में रहे, पर ये मेरे से आगे कैसे हो सकता है? तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने लगा एंड ही वॉज वेरी वेरी ब्रिलियंट इन मैकेनिक्स, आई वुड से ब्रिलियंट नॉट बट ही वॉज रियली रियली गुड इन मैकेनिक्स एंड आई वॉज रियली रियली बैड इन मैकेनिक्स। तो उसने मुझे कुछ कुछ हेल्प किया, बताया कि यहाँ से पढ़ो वैसे पढ़ो, और फिर उसका टीचर से बहुत अच्छा दोस्ती था तो उसने कुछ कुछ मेरे टीचर से भी दोस्ती करा दी कि ये भी मेरे साथ ही है, एंड वी स्टार्टेड आस्किंग डाउट्स एंड एवरी थिंग सम हाउ चेंज्ड। ओके आई स्टार्टेड आस्किंग डाउट्स, आई स्टार्टेड इंडल्जिंग इन द क्लास, और मैं थोड़ा थोड़ा इन्जॉय भी करने लगा एंड मेरे को समझ भी आने लगा यार कैसे पढ़ना है। सो यार नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊँगा उसके बारे में थोड़ा और, क्योंकि उसका रोल तो अब हमेशा आने वाला है इस कहानी में, बिकॉज आई थिंक वी बोथ हैव लिव्ड आर IIT JEE स्टोरी टुगेदर टिल द एंड। जब तक मेरा IIT JEE का तैयारी चला तब तक हमने सब कुछ साथ में किया है, वुड से। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, और उसके बाद मैं बताऊँगा कैसे फिजी टूट गया, जी हाँ पार्टीशन हो गया फिजी का, वो भी मैं आपको बताऊँगा। एंड फाइनली देर इज़ नो फेस रिवील और समथिंग लाइक दैट ऑफ हिज, बिकॉज हो सकता है शायद हम लोग कभी साथ में मिलके एक एपिसोड बना दें। चलो यार बाय।